हम देखते हैं आजकल की परिस्थितियों में, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमें पवित्रता की शक्ति नहीं है, और इसलिए वह सेल्फलेस लव भी नहीं है, और इसलिए हम देखते हैं रिलेशंस में तनाव होते हैं और अशांति होती है, शांति का भंग हो जाता है। कहते ना, हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और भगवान से कहते हैं बस एक पल शांति का मिल जाए, एक क्षण शांति का मिल जाए। तो हम अपने आप से पूछें, मैं आत्मा जो शांति का पुंज हूँ, मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, यह तो नेचुरल क्वालिटी है मेरी, आई एम पीस। अगर मैं अपने आप को भूल जाऊं, अपने आप को आत्मा न समझकर देह समझने लगूं और एक बूंद शांति के लिए इधर उधर भटकूं, तो क्या मैं अपने आप के साथ न्याय कर रही हूं? हमें यह याद रखना है कि वो सारी बातें जिन्हें हम बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रेम को कहीं और खोज रहे हैं, शांति को बाहर कहीं और खोज रहे हैं, ये सब कुछ बाहर नहीं, यह मेरा निजी गुण है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप भी हूँ, पवित्रता स्वरूप भी हूँ, ज्ञान स्वरूप भी हूँ और शांति स्वरूप भी हूँ। अगर अब हमें पता चला कि यह शांति कहीं बाहर नहीं, अंदर है, और अगर अब हमें शांति की तलाश हो तो अब हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें कहाँ जाना है? अंदर, मन में जाना है, शांति की फीलिंग्स को जेनरेट करना है और उस शांति के सागर में खो जाना है, शांति में डूब जाना है। सिर्फ शांति में ही नहीं, प्रेम में भी हम अंदर ही डूब सकते हैं, अपने आप में डीप प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, पवित्रता और ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। नॉलेज भी बाहर नहीं, यह हमारे अंदर है।